नमस्कार, केटीआर वॉइस की विशेष पेशकश में आज हमारे साथ हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त मोहम्मद अयूब खान, जो खेतड़ी के पूर्व डीएसपी भी रह चुके हैं। उनसे ही आज बातचीत में जानकारी लेते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में अब क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे अपना कार्यकाल में और आगे जीवन में कैसे रह पा रहे हैं। सर नमस्कार, केटीआर वॉइस में नमस्कार। सर, सेवानिवृत्ति के बाद में अब कैसा जीवन व्यतीत कर? मार्च 2020 में मैं एज ए खेतड़ी डिप्टी एसपी के पद पर पदस्थापित हुआ था। उस दौरान खेतड़ी का कार्यकाल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जितने भी उस समय मैन जो क्रिमिनल थे उनको बंद किया था, कोरोना उसी दौरान फेस किया था। कोरोना में भी हमने बहुत अच्छे से गाइडलाइन का मैं की पालना करवाई थी खेतड़ी में, और उसके बाद प्रमोशन भी मेरा एडिशनल एसपी का खेतड़ी से ही हुआ था। और देन मेरी पोस्टिंग प्रमोशन पे हुई थी कमांडेंट पीएमडीएस बीकानेर में। वहाँ बड़ा अच्छा शानदार कार्यकाल रहा और मई 21 में मैं एज एडिशनल एसपी वहाँ से रिटायर हुआ था बीकानेर से। रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के बारे में आपको बता दूँ कि शुरू से ही जब से मैं रिटायर हुआ था तभी से मैंने एक मन बना लिया था कि वहाँ जा कर के हमें सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, साथ ही थोड़ा इस्लामिक हिसाब से भी जो एक रिटायरमेंट के बाद की लाइफ होती है उसके बारे में सोचा था। ये सोच करके मैंने रिटायर होते ही और उसके बाद सबसे पहले हमारा जो एज ए मुस्लिम हज करने की एक परंपरा होती है जैसे हर धर्म में होती है, तो मैंने सबसे पहले हज किया। वाइफ के साथ गए हम और साथ में मेरा एक साथी है जो आज भी मौजूद है यहाँ पे, इश्तियाक जी लाइब्रेरियन साहब, वैसे मेरे बड़े ब्रदर हैं और बचपन के साथी हैं, तो हम दोनों साथ ही हज करने गए। और उसके बाद की लाइफ के बारे में आपको बताऊं, आने के बाद जैसा कि मैं हमेशा से ही मेरा पहले से ही रहा है, सुबह जल्दी उठता हूँ 5:30-6 बजे और सुबह की जो नमाज होती है उसको पढ़ने के बाद सीधे ही मैं घूमने चला जाता हूँ। लगभग 3-4 किलोमीटर पुलिस लाइन में वहाँ घूमता हूँ शुरू में, और इसके साथ साथ मुझे बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक है ही, हमेशा से ही है। खेतड़ी में भी VPS में खेला करता था और वो जो क्लब आपका खेतड़ी में वहाँ भी खेलने के लिए कई बार जाते थे। तो अब पुलिस लाइन चूरू में बैडमिंटन खेलता हूँ और 3-4 किलोमीटर सुबह सुबह घुमाई करते हैं। और इसके अलावा अब एक मिशन लिया है हमने, एक इकरा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई है सीकर में, तो जो मुस्लिम बच्चे हैं इवन किसी भी कम्युनिटी की हो, और उनके लिए एक हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, उसमें मैं फाउंडर मेम्बर हूँ। और उसमें मैंने भी उस 50 कमरों का टारगेट है, उनमें एक कमरा मैंने खुद ने भी अनाउंस किया है मेरे नाम से, और जिसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए आएगी। तो एक अच्छा नेक काम है, आगे नीट और IIT जैसे कंपटीशन है उनके लिए बच्चे परेशान नहीं हो। अदरवाइज़ वहाँ सीकर में बहुत बड़ा हब है मेडिकल का, और पिपराली रोड पे हमारी जो माताएं बहनें हैं वो वहाँ पे किराए पे रूम लेके रहती है, उनको बड़ी परेशानी महसूस होती है। सर, खेतड़ी के लोगों के साथ जो यादें हैं वो कैसी रही आपकी? खेतड़ी में तो बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, मुझे हर जाति का मुझे वहाँ सहयोग मिला, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, और विशेष रूप से जो पत्रकार वहाँ पे थे उनका इतना स्नेह और इतना मुझे विश्वास प्राप्त हुआ कि जब भी जहाँ भी जो भी कोई फंक्शन हुआ उन्होंने हर फंक्शन में मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। बड़े से बड़े मुकदमे हुए मैंने वहाँ, मर्डर के मुकदमे भी बहुत फेस किए, लूट के भी कई वारदातें मेरे टाइम में हुई हमने सारी की सारी। और एक वहाँ पे एक फणिया एक राजस्थान स्टेट लेवल का एक मुलजिम था, वो मैंने मेरे टाइम में उसको पकड़वाया था, अशोक फणिया था नाम तो उसका, हमें मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मीणा था जाति से, फणिया कहते थे उसको। उसमें 25 लाख का इनाम था, 25,000 या समथिंग का था, तो उसको मेरे टाइम में पकड़ा गया था। इसके अलावा कोरोना में बहुत शानदार हमने कार्यकाल हमारा बीता था वहाँ पे, और इवन लोगों ने वहाँ पे जनरली पुलिस को कोई ज़्यादातर ताने देते हैं या पुलिस पे व्यंग कसते हैं, लेकिन मुझे वहाँ इतना अच्छा सहयोग मिला कि कोरोना के दौरान उन्हें पूरे खेतड़ी में घुमा करके हमारा मालाओं से स्वागत किया गया था। और वो कार्यकाल मेरा बड़ा अविस्मरणीय, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड जो था वो खेतड़ी में था। खेल की एक्टिविटी में भी भाग लेते थे, कोई ऐसा पल जो खेल का जो आपको हमेशा याद रहेगा? खेल के बारे में बताऊँ कि खेल के बारे में शुरू से ही मैं खेल का शौकीन रहा हूँ, और वहाँ हमने सबसे अच्छा जो मुझे खेल के मामले में जो अच्छा लगा वो ये लगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहाँ पे पत्रकार वर्सेस प्रशासन वो लोग मैच आयोजित करवाते हैं, और वो उनमें सारा पत्रकारों का ही रोल रहता है,
और विशेष रूप से नरेंद्र जी और विकास जी, मंजीत जी और हमारे जितेंद्र जी, और इसके अलावा एक हमारे नासिर भाई हैं, वो भी बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते थे। तो एक बहुत अच्छा शानदार मैच हुआ था उस क्रिकेट के मैच में। नरेंद्र जी ने बहुत शानदार उन्होंने छक्के मारे थे, मेरे को याद है अच्छी तरह से। बट मैंने भी उस मैच में 3 विकेट लिए थे और 2 मैंने कैच लिए थे और 1 छक्का लगाते हुए शानदार 17 या 18 रन भी मैंने बनाए थे। सर वो मैच पत्रकारों का हराया था इसलिए विशेष याद है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, देखो हार जीत तो मैच में चलती रहती है, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, और कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी हो जाती है कि अच्छी टीम भी जीतते जीतते हार जाती है। सर एक आपकी विशेष बड़ी उपलब्धि है कि आप एक गायकार भी हैं, आज बड़ा अच्छा हो जाएगा एक छोटा सा गाना जो हमें भी सुना दें इसके माध्यम से। भाई देखो अब अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज भी मैं गा सकता हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। देखिए ये थे हमारे पूर्व DSP खेतड़ी मोहम्मद अयूब खान। आज बॉम्बे में एक अचानक मुलाकात हुई एक शादी के फंक्शन में और जुड़ गया कारवा यार दोस्तों के साथ, ऐसा खुश मिजाज महफिल में बैठे हैं और एक KTR वॉइस के लिए एक इंटरव्यू के लिए। कैमरामैन विकास पारिक के साथ नरेंद्र स्वामी, KTR वॉइस।